आज हम मज़मून उर्दू जमात शशुम हफ्तुम और हश्तुम ब्रिज कोर्स के 12वें दिन की मशक हल करने की कोशिश करेंगे। महारत और तसव्वुर है बोलना पढ़ना लिखना और अमली कवायद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं 12वें दिन की मशक। 12वें दिन की मशक में आप लोगों को इसे हल करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, आओ मालूम करें मानी। उस्ताद या वालदैन दर्ज झील सरगर्मी से मुतालिक गुफ्तगू करें। जबान में अल्फाज ये अपना मानी रखता है। हम अल्फाज के मानी देखने के लिए लुगत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गोहर मोती, कोहसार पहाड़। आओ अहलियत पैदा करें, लुगत का इस्तेमाल करके अल्फाज के मानी लिखिए। सबसे पहले है खुर्द। खुर्द के मानी होते हैं छोटा। कुलाह के कुलाह के मानी होते हैं टोपी। कबीर कबीर के मानी होते हैं बड़ा। इसका तरीक़ेकार है पूर्व तहजी के लिहाज से लुगत में मानी ढूंढना। इजाफी अदब के वसाइल दर्सी किताब रिसाला अखबार दीक्षा ऐप। आओ मश्क करें, लुगत का इस्तेमाल करके अल्फाज के मानी लिखिए। सबसे पहले है अलम। अलिफ से जो अलम है उसके मानी होते हैं गम, और एन से जो अलम होता है उसके मानी होते हैं झंडा। उसके बाद है गुल। गुल के मानी होते हैं फूल, और गैन से जो गुल होता है उसके मानी होते हैं शोर। मुकद्दर मुकद्दर के मानी होते हैं किस्मत, और मुकद्दर के मानी होते हैं रंजीदा। उसके बाद है सवाब। सवाब के मानी होते हैं नेक काम, और जो स्वाद से जो सवाब है उसके मानी होते हैं भलाई सोचने वाला। अगला है सूती। सूती के मानी होते हैं एक किस्म का कपड़ा, और स्वाद से सूती के मानी होते हैं आवाज़ से मुतालिक, क्योंकि सूत आवाज़ को कहते हैं। आओ तखयलाती बने चैलेंज। आओ अपने उस्ताद या वालदैन की मदद से दर्सी किताब या अखबार और रिसालों के जरिए नए अल्फाज लिखकर इसके मानी लिखिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ अल्फाज और मानी लिखे हैं, इसके अलावा आप लोग ढूंढ कर लिख सकते हो। कैफ, इसके मानी होते हैं सुरूर या खुशी। वहम शक। तौका उम्मीद। सहरा रेगिस्तान या जंगल। सोजिश जलन या तकलीफ। तो इस तरह से आप लोगों को इसे हल करना होगा। उम्मीद है आज की मशक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।